राजगढ़ उपमंडल के पझौता क्षेत्र स्थित स्नोरा स्कूल की छात्रा चांदनी ने 10वीं कक्षा में टॉप 20 में स्थान हासिल किया है। चांदनी ने 683 अंक प्राप्त किए हैं। चांदनी की इस उपलब्धि के लिए उसे सम्मानित किया गया। रोड़ी स्कूल के टीचर मदन शर्मा व रोशन लाल ने स्कूल में छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर चांदनी को सम्मानित किया और उसकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर पंचायत प्रधान रणबीर ठाकुर, सुमन देवी, विकास कुमार, रिंकू, कल्याण सिंह, ओम प्रकाश, उमा दत्त इत्यादि मौजूद रहे। बता दें कि चांदनी रोहड़ी जोल गांव के गरीब परिवार से संबंध रखती है। चांदनी स्वर्गीय प्रीतम सिंह एवं शकुंतला की बेटी है। चांदनी को सम्मानित किए जाने पर उनकी माँ बेहद भावुक हो गई। शकुंतला ने रोते हुए कहा कि काश आज इसके पापा जिंदा होते तो वो इस खुशी के पल को अपनी आंखों से देखते। चांदनी भविष्य में टीचर बनना चाहती है। चांदनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ और अध्यापकों को दिया। चांदनी ने प्राइमरी की परीक्षा रोहड़ी स्कूल से उत्तीर्ण की थी। रोहड़ी स्कूल के टीचर मदन शर्मा और रोशन सिंह ने कहा कि स्कूल की हालत जर्जर है। वे लोग सरकार से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। स्कूल की ऐसी हालत की वजह से कुछ बच्चे तो यहां से दूसरे स्कूल की ओर पलायन कर चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर गुहार लगाई है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और स्कूल की स्थिति में सुधार किया जाए। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।